डॉक्टरों की आजादी पर रोक क्यों लगा रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, ये मेरा सवाल है। लेकिन पब्लिक को एक विक्टिम का की तरह से देखेंगे, एक दूसरे समुदाय को हिंदुओं को हमेशा आप देखेंगे पहले से ही प्रीसेट। कोई भी पूछने की इजाजत किसी को। ममता बनर्जी के बयान को नविका कुमार ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की तो टीएमसी के प्रवक्ता कीर्ति आजाद ने नविका को बताया दंगा करवाने वाली औरत। गोदी मीडिया का काम क्या है वो इस देश के हर आदमी को पता है कि कैसे मीडिया विपक्षी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और सारी पार्टियों को हिंदू विरोधी साबित करती है ताकि अपने पप्पा की पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सके। आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेता को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें जहां रामनवमी की यात्रा निकालनी है निकालो, लेकिन हथियार लेकर मुस्लिम इलाकों में दंगे करने की इजाजत किसी भी गुंडे को नहीं मिलेगी। बस ममता बनर्जी का ये बोलना था कि मीडिया ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताने में लग गई और जब यही काम नविका कुमार ने किया तो टीएमसी के प्रवक्ता कीर्ति आजाद ने नविका को अच्छे से समझा दिया और कहा कि तुम बस डिबेट के नाम पर दंगे करवाना चाहती हो, तुम लोगों को भड़का कर आग लगाना चाहती हो। सुनिए कैसे टीएमसी के प्रवक्ता ने नविका को लताड़ कर रख दिया। ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि रामनवमी में जुलूस चलने दूंगी लेकिन अगर मुसलमानों के एरिया में कुछ गड़बड़ होगा तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं। उन्होंने कुछ गलत कहा क्या? आपने उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी की जैसा उन्होंने कुछ गलत कहा, इससे आग लगती है। क्या हम आपस सौहार्द में नहीं रह सकते हैं? या क्या हमें हर बिंदु पर कोई ना कोई चीज निकाल करके आग लगाना जरूरी है? घी डालना जरूरी है? मुसलमान आपके उस पर मैंने देखा टेलीविजन पे इतनी बढ़िया आपने इतना बढ़िया कवरेज किया उसके ऊपर जिसमें डंडे फरसे तलवार भाले बंदूक बनी हुई सब आई दिख रही थी, फिर ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आप कैसा डिबेट करवा रहे हैं? को एक विक्टिम का की तरह से देखेंगे, एक दूसरे समुदाय को हिंदुओं को हमेशा आप देखेंगे पहले से ही प्रीसेट की आजादी पर रोक क्यों लगा रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, ये मेरा सवाल है। लेकिन पब्लिक कोई भी पूछने की इजाजत किसी को नहीं। तो देखा आपने, कीर्ति आजाद ने नविका को दंगाई और आग लगाने वाली बता दिया। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा हिंदी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।